फॉर्म लिखिए, इफ ए कॉस अल्फा ए कॉस ए साइन अल्फा बी ए कॉस बीटा बी साइन बीटा सी ए कॉस गामा ए साइन गामा आर वर्टेक्सेस ऑफ ट्राइंगल आर वर्टेक्सेस ऑफ ट्राइंगल देन फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ देन फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कमसेंटर then find coordinates of circumcenter and orthocenter of triangle ABC. Then find coordinates of circumcenter and orthocenter of triangle ABC. देखिए चलिए आसान है, इसके ओरिजिन से लेंथ कितनी आएगी? ए, इसकी भी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी आएगी? ए लिखो यहां पे, ए इसकी भी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी आएगी? ए, तो सर्कम सेंटर तो क्या आ गया? जीरो कॉमा जीरो, समझ आया कि नहीं? दूसरी बात, सी जी और एच ये टू इज टू वन होता रेशियो, ये जीरो जीरो है, ये कितना आ जाएगा? ए सिग्मा कॉस अल्फा बाई थ्री, ए सिग्मा साइन अल्फा बाई थ्री, तो ये कितना आ जाएगा? अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला, टू इंटू जीरो वन इंटू एक्स एच बाई थ्री, तो एक्स एच कितना आ जाएगा? ये एक्स एच को हम वाई एच मान लें, तो इसमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करिए तो ऑर्थो सेंटर कितना आ जाएगा? एक्स एच इक्वल टू कितना आएगा? सिग्मा ए सिग्मा कॉस अल्फा, और वाई एच कितना आ जाएगा? ए सिग्मा साइन अल्फा, समझ आया कि नहीं? ये कितना है? ए कॉस अल्फा प्लस ए साइन, ए कॉस अल्फा प्लस ए कॉस बीटा प्लस ए कॉस गामा, और ये कितना है? ए साइन अल्फा प्लस ए साइन बीटा प्लस ए साइन गामा, समझ आया कि नहीं? तो सॉल्विंग के लिए नहीं है ये, वेक्टर्स में भी आता है प्रॉब्लम, बताया होगा शायद मैंने, ये बात समझ में आ गई ना? समझ आ गया प्रॉब्लम ढंग से? ये आ गया? नेक्स्ट लिखिए, फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर Find the locus of foot of perpendicular drawn from origin upon any chord of circle upon any chord of circle x square plus y square minus 3x minus 1 equal to 0 minus 2y भी लिख लो minus 1 equal to 0
that subtend right angle at origin. That subtend right angle at origin. बहुत ध्यान से समझना. मान लो ये सर्किल है, हमें इस पॉइंट का लोकस निकालना है, पी एच कॉमा के मान लिया से, ठीक है ना. ये क्या है, सर्किल की कॉर्ड है. और कंडीशन हमें क्या गिवन है कि ये जो एंगल है कॉर्ड ए बी, कितना एंगल सबटेंड करती है, ये कितना है, पाई बाई टू. बात समझ में आ गई ना. तो जो बेस्ट अप्रोच होगी, बहुत सारी अप्रोचेस को सॉल्व करने के लिए पॉसिबल है, बेस्ट अप्रोच होगी वो होमोजीनियस की हेल्प से होगी. ढंग से समझना, हमें एच के में रिलेशन चाहिए सर्किल के बिने, ठीक है ना. ये एंगल 90 दिया है, तो मुझे ये बताइए ओपी लाइन का स्लोप कितना आएगा. ओपी लाइन का स्लोप कितना होगा, के बाई एच, ठीक है ना. एबी लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, माइनस एच बाई के. और एबी लाइन की अगर हम इक्वेशन की बात करें तो एबी लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, y माइनस के इक्वल टू माइनस एच वाई के एक्स माइनस एच. ये सबसे बेस्ट अप्रोच है और सब तरीके से बेकार होंगे. बात समझ में आ गई नहीं, समझ आया कि नहीं. अब ये क्या आ गया, के वाई प्लस एक्स एच इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. समझ आ गए, ये भी है, समझ गए ना. अगर हम इस लाइन और गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल इन दोनों की हेल्प से होमोजीनियस बनाएं तो हमारे पास क्या आएगा, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी. मैंने आपको सिखाया था कि अगर एक लाइन और कर्व की हेल्प से होमोजीनियस इक्वेशन बनाते हैं तो उनके कॉमन पॉइंट्स को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन आती है. बात समझ में आई ना, बात समझ में आई कि नहीं, ये बताया कि नहीं. अरे आती है, अभी मान लो समझ गए. तो होमोजीनियस बनाते हैं, होमोजीनियस कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इतनी, इसकी डिग्री दो ही है, इसकी डिग्री एक बढ़ानी है, माइनस थ्री एक्स माइनस टू वाई है, माइनस थ्री एक्स. इसकी डिग्री कैसे बढ़ाई जाएगी, के वाई प्लस एक्स एच अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू वाई. इसकी डिग्री एक बढ़ानी है, के वाई प्लस एक्स एच अपॉन के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. और एंड में क्या है, माइनस वन, तो माइनस दो डिग्री बढ़ानी है, के वाई प्लस एक्स एच अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो. समझ गए ना. ये ओ ए एंड ओ बी की कंबाइंड इक्वेशन है और इनके बीच का जो एंगल होता है वो कितना आता है, टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी. मतलब ए और बी क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कॉफिशियंट्स. तो एंगल 90 दिया है तो ज्यादा कुछ सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है. हमें डायरेक्टली क्या करना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कॉफिशियंट के सम कितना करना है, जीरो. तो देखिए लोकस आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट यहां से वन आया, और कहां से आएगा एक्स स्क्वायर, यहां से आ रहा है माइनस थ्री एच अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. और कहां से आ रहा है, इधर से तो कहीं आया नहीं, इधर से भी आएगा माइनस एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का
होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर का कोफिशियंट कितना आ रहा है, प्लस वन यहां से, यहां से कहीं से नहीं आ रहा है, माइनस टू के अपॉन के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यहां से माइनस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर, इट इज अ लोकस। वेरी सिंपल है, एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, आसान आ जाएगा। एच को क्या लिख देंगे, एक्स, और के को क्या लिख देंगे, वाई। समझ गए ना, बात समझ में आ गई नहीं? सिंपली हमें ओरिजिन से ऐसी कॉर्ड पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस निकालना था जो ओरिजिन पे क्या सब्टेंड करती है, राइट एंगल। तो इसकी लाइन का स्लोप लिखा, इस लाइन की इक्वेशन लिखी, और उसकी हेल्प से सर्किल को होमोजीनियस बना दिया। वो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ओ एंड ओ बी आ गई, फिर उसके एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम कितना किया है, जीरो।